हेलो नमस्कार, रंगमार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सिम्बलियन को लेकर। मोहन यादव जी सिम्बलियन की घोषणा कर सकते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को। जल्दी अतिथि शिक्षकों का सिम्बलियन किया जाएगा ऐसा ऐलान किया जा रहा है और मोहन सरकार अतिथि शिक्षकों का जल्दी नियमितीकरण कर सकती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूं और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं जिसमें अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सरकार का क्या कहना है और अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है। अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सकता है क्योंकि सरकार नाराज नहीं करना चाहती अतिथि शिक्षकों को, इसलिए जल्दी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की घोषणा की जा सकती है और अतिथि शिक्षकों को बाहर निकालने पर रोक लगा दी जाएगी और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा जिसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ क्या कहना है सरकार का और अतिथि शिक्षकों का। वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपडेट पाने के लिए अतिथि शिक्षक कब तक इनका सम्मिलन किया जाएगा आप वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। और भोपाल से खबर, अतिथि शिक्षकों को बड़ी सौगात मिल सकती है। अतिथि शिक्षकों को लेकर सीएम अजय हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। अजय, लंबा समय हो गया है अपनी मांगों को लेकर समय समय पर आवाज बुलंद करते रहते हैं अतिथि शिक्षक और आज उनको बड़ी सौगात मिल सकती है, क्या होगी वो? देखिए, मध्य प्रदेश बोधित करेंगे तो ये उम्मीद लगाई जाती जा रही है कि हो सकता है सम्मिलियन की जो लंबे समय से उनकी मांग है उस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुहर लगा दें, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की संख्या मध्य प्रदेश में 71,000 के करीब है। वो तमाम परिवार, वो तमाम लोग जो मध्य प्रदेश में वोट करते हैं वो भी हैं, उनको साधना भी है और चुनावी साल है। ऐसे में किसी की नाराजगी ना हो और किसी की नाराजगी प्रदेश सरकार को चुनाव में भारी न पड़ जाए, यही वजह है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश चल रही है और आज ये कयास लगाया जा रहा है कि सम्मिलियन की जो मांग है अतिथि शिक्षकों की, हो सकता है प्रदेश के मुख्यमंत्री उसे मान लें, उस पर और किसी वर्ग को नाराज करने का जो रिस्क है वो प्रदेश सरकार लेने की स्थिति में नहीं है और यही कारण है कि आज बड़ी सौगात उन्हें मिल सकती है। जिनकी जो मांगे हैं लगभग पूरी करने की कोशिश की जा रही है। 5 सालों से 10 सालों से जो लोग अड़े हुए थे अपनी मांगों को लेकर, चूंकि चुनावी साल है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उतनी पूरी बहुमत नहीं मिल पाई थी जिससे वह सरकार बनाए। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी साल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई किसी को नाराज नहीं छोड़ना चाहते ताकि वोट कटे ना और मध्य प्रदेश चुनाव में जीत हो सके। अब अतिथि शिक्षकों को 71,000 के करीब मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक हैं, उन तमाम अतिथि शिक्षकों को बुलाया गया है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, उनको संबोधित करेंगे और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में अतिथि शिक्षक हो, चाहे वह पार्षद हो, चाहे वह सरपंच हो, चाहे सचिव हो, चाहे रोजगार सहायक हो, तमाम लोगों को जब जब उन्होंने बुलाया तो सौगातें जरूर दी हैं। तो आज कयास